धार्मिक नगरी मैहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां सैलरी मांगने पर एक युवक से कंपनी संचालकों ने बंधक बनाकर जमकर मारपीट की। अन्य कर्मचारियों पर दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल भी कर दिया। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। पीड़ित युवक इतना खौफजदा था कि मामले की शिकायत सतना जिले में ना कर IG कार्यालय में की है। सैलरी मांगने पर एक युवक की जमकर पिटाई का वीडियो सामने आया। घटना मैहर कस्बे की है। ग्लेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने वाली मैहर की जानकी ट्रेडर्स के कार्यालय के अंदर का है मामला। यहां आधा दर्जन लोग सुनील विश्वकर्मा नाम के युवक को लात घूसों से पीट रहे थे। सुनील का पारिश्रमिक और कमीशन करीब 1,63,000 बन गया था। इसी रकम की मांग सुनील कंपनी से कर रहा था। 23 दिसंबर को कंपनी के कर्तव्यधर्ताओं ने पैसा देने बुलाया और फिर कार्यालय में बंधक बनाकर सैलरी की जगह जमकर मारपीट की। पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। सतना पुलिस अब इस मामले की जांच की बात कर रही है। जी सर, मेरा नाम सुनील विश्वकर्मा है। मैं शहडोल का रहने वाला हूँ, मध्य प्रदेश का। और मुझे मैहर में नौकरी के नाम से बुलाया गया था। मेरा वहाँ पे 14,000 रुपये पैसा जमा किया गया और कुछ दिन बाद हम वहाँ पे काम किए, बोले कि आप यहाँ पे काम करते जाओ, बाद में आपके अकाउंट में जो है पैसा जमा होता जा रहा है, एक एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। और बोला गया कि आपको अभी यहाँ पे कुछ वैकेंसियाँ खाली है और यहाँ पे अपने जितने भी लोग उनको सबको ज्वाइनिंग करवा सकते हैं सर। तो इसके बाद हमने अपने दोस्त लोग को बुलाया, कुछ भाई लोग को बुलाया, कुछ चाचा लोग को बुलाया। लगभग टोटल में 17-18 लोग आए हमारे साथ में। उन्होंने भी पैसा जमा किया, उनको भी नौकरी के नाम से बुलाया गया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने नौकरी के नाम से सैलरी की बात आई, तो सैलरी के बाद फिर से वही घटना होने लगा कि अब बोले कि अब जितने लोग को जोड़ोगे उतना ही आपको यहाँ पे कमीशन के बेस में पैसा मिलेगा। और जब तक जोड़ोगे तब पैसा मिलेगा, यदि जोड़ना बंद तो पैसा बंद हो जाएगा आपको यहाँ पे। मैहर में जानकी टेंडर्स के द्वारा एक सुनील विश्वकर्मा नामक युवक जो कि शहडोल के रहने वाला, उसके साथ मारपीट की गई, वीडियो वायरल हुआ है। तो सर उसके बारे में अगर क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा आप बता रहे हैं, सुनील विश्वकर्मा नामक व्यक्ति, इसके साथ मारपीट की गई है। ये सत्य का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसके साथ मारपीट की जा रही है। चूँकि व्यक्ति अभी थाने आज दिनांक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वरिष्ठ कार्यालय जाकर आवेदन देने की बात सामने आई है। इसको बुलाया जा रहा है और विदेश में वैधानिक कार्रवाई, जिनके द्वारा मारपीट की गई उनके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैहर कस्बे में बेरोजगार युवकों को ठगने का ये धंधा पिछले 5 सालों से फल फूल रहा है। लगभग 5,000 से ज्यादा बेरोजगार युवक जालसाजी का शिकार हो चुके हैं। सरकार की माफिया राज खत्म करने की मुहिम के बाद भी ना तो जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर गया, ना ही पुलिस प्रशासन का। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज़।